कहाँ पे और स्क्रॉल करना है ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब यूर लोकल टाइम GMT। दोस्तों व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, इसका मीनिंग क्या होता है और हमें कैसे चेक करना है, कहाँ से पता करना है व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, ये कैसे चेक करें, इसका मतलब क्या होता है, फुल सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों जो आप लोग क्वेश्चन करते हो उसी रिलेटेड उसी टाइप की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, किसी भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसी टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपको क्या ही आता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ और आपको आ जाना है YT स्टूडियो में, है ना। व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब इस तरीके से लिख के आता है, तो कुछ लोग को मतलब इसका पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या होता है और हमें कहाँ से चेक करना है व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड एनालिटिक्स, सिंपल सा फंडा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा लाइव की जो है व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब कहाँ पे चेक करना है, उसके बाद में इसका फ़ायदा क्या है, इसका मतलब बेनिफिट क्या है, वो भी सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जब एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सा फंडा ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है ऑडियंस, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे और स्क्रॉल करना है ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब यूर लोकल टाइम GMT 5:30 लास्ट 28 डेज। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ से आपको चेक करना है व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है फ्रेंड, जो वीडियो आप अपलोड करते हो, जैसे एग्जाम्पल लो कि आप एक वीडियो अपलोड किए 5 बजे, अब उस पर आपका वो वीडियो किस हिसाब से परफॉर्मेंस किया उसी हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। आप एक वीडियो अपलोड किए 12 बजे दिन में, वो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा, वहाँ यहाँ पे दिखाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है सब कुछ, यहाँ पे 5-6 बजे, उसके बाद में यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ को जो है ध्यान से देखना, उसी हिसाब से वीडियो क्रिएट करके चेक करना, आपका जिस टाइम में व्यूज ज़्यादा आता है उसी हिसाब से यहाँ पे मतलब वीडियो अपलोड करना। यहाँ पे सब कुछ कम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ग्राफ है बहुत कम दिखा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हूँ, मतलब कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए सब कुछ डाउन चल रहा है। अभी मेरा व्यूज़ भी डाउन है क्योंकि कंटिन्यू वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इसीलिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक कर लेना, और इस यहाँ पे जो मतलब डार्क दिखा रहा है उसी टाइम आपको वीडियो अपलोड करना है, चेक करना है कि हिसाब से परफॉर्मेंस करता है। तो दोस्तों आप लोग जो क्वेश्चन करते हो उसी टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग के क्वेश्चन के हिसाब से वीडियो था। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। व्हेन यूर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, इसको आपको समझ लो, आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे ज़्यादा।